महाराष्ट्र सरकार और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच की खींचतान अब फूल पकड़ती जा रही है। ऐसे में कई संगठन कंगना के समर्थन में आ गए हैं। बरेली में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ने भी जोरदार प्रदर्शन करते हुए कंगना के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का सीधा आरोप है कि कंगना को सुशांत मामले में बोलने की सजा दी जा रही है। महाराष्ट्र सरकार की शह पर बीएमसी कंगना के घर में तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रही है। इस दौरान महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के उत्पीड़न का मामला भी उठाया गया। मेरा नाम एमपी सिंह है, मैं अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ। देखिए, हमारे सभी अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के पदाधिकारी, हम लोग एक शांत प्रिय तरीके से कंगना रनौत के विरुद्ध जो विध्वंसक कार्रवाई हुई है, जो दमनात्मक कार्रवाई हुई है, उसके बारे में, उसके विरोध के बारे में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम अपना राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन भी देंगे। देखिए, अब बात कहाँ से चल रही है, इसका सूत्रधार कहाँ से होता है? सूत्रधार होता है यहाँ राजपूत, सुशांत राजपूत की हत्या से। तो जो भी उभरते सितारा है वो है। अब कंगना रावत ने अगर पीओके कह दिया, उस पर हमारे संजय राउत जी उसको हरामखोर कह रहे हैं, और वो उन्होंने उन अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जो अश्लील शब्द उनको कंगना रनौत के प्रति नहीं कहना चाहिए था। वो कंगना रनौत का अपमान नहीं है, वो पूरे देश की नारी शक्ति का अपमान है। अब उसका, उसको 24 घंटे का, उन्होंने 24 घंटे का नोटिस देके और उसका विध्वंस करा दिया होगा, 48 करोड़ का बंगला विध्वंस करा दिया। अब आप बताइए, उसके बगल में मनीष मल्होत्रा का है जिनको सात दिन का नोटिस दिया, और उसी, और वो उसमें भी वही अनियमितताएं थी और इसमें भी वही अनियमितताएं थी, उसको 24 घंटे का। क्या कर रही है बीएमसी, क्या कर रही है सरकार के इशारे पर बीएमसी ऐसी अनैतिक कार्यवाही इस तरह। अच्छा, फिर इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि कोरोना काल में यदि कहीं कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसको अभी जो है उसका अतिक्रमण, उसका पर्याप्त समय दिया जाए और उसको तोड़ा नहीं जाए। तो ये है। अच्छा, फिर अब पीओ के कह दिया, क्या मतलब पीओ गलत क्या कह दिया? कमीन से मुंह से गाली इसलिए निकलती है कि बम्बई भारत की है, भारत की बम्बई है, बम्बई भारत की है। क्या बम्बई अलग है भारत से? तो भारत, बम्बई के रहने वाले लोग उत्तर भारतीयों को परेशान करते हैं कि बम्बई में जो आएगा उसका ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हाथ तोड़ेंगे, घुसने नहीं देंगे। उनके बाप की बम्बई है क्या? वो उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे क्या? हरिद्वार नहीं जाएंगे क्या? प्रयागराज नहीं जाएंगे क्या? तो क्या उनको ऐसे, तो अगर ये कहा जाए तो हरीश रावत, जो हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उनकी, उनका उत्तराखंड है, योगी जी का लखनऊ है और प्रयागराज है, हरिद्वार उनका है, उनका गहलोत जी का राजस्थान है। ये उनकी बहुत गलत मानसिकता है।